और उनके इस घटिया बयान की वजह से आते जाते लोग हम लड़कियों को खाली प्लॉट कह के चले जा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी रजिस्ट्री हो गई है कि होगी, क्यों? एक इस धीरेन्द्र शास्त्री चुट्टा के वजह से, इस चोर के वजह से लोग हम लोग को करते रहा, तो हम लोग बहुत जल्द चप्पल उप्पल सब उठा लेंगे, क्योंकि हम लोग मजबूर हो जाएंगे, हम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चप्पल मारना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं ना कि अगर आगे से बिहार आए ना तो हम लोग चूड़ी भेज भेज के बोलेंगे पहन लीजिए और मुजरा कीजिए बैठ के। अगर उनके हिसाब से बिना सिंदूर लगाए हुए महिलाएं या बिना मंगलसूत्र पहने बिना पायल पहने महिलाएं खाली प्लॉट है, तो कल को अगर धीरेन्द्र शास्त्री की माँ विधवा हो जाती है और वो मंगलसूत्र पहनना छोड़ देंगी, मांग में सिंदूर लगाना छोड़ देंगी, पैर में पायल पहनना छोड़ देगी, तो धीरेन्द्र शास्त्री की माँ को कौन कौन रजिस्टर्ड करने पहुंचेगा? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के पास इस बात का जवाब है? फिर चर्चों में आए हैं, चर्चा इस बात को लेकर है कि एक महिला पर कटाक्ष किए हैं, इसके बात को लेकर मेरे साथ अभी अंजलि यादव है, उनसे बात करेंगे। आप लगातार धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दे रहे हैं, आखिर क्या दुश्मनी होगी कि लगातार आप धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट करते हैं? मैंने कब गाली दे दी, आपने कहाँ सुन ली है? लगातार चर्चा एकदम वीडियो वायरल हो रहा है। आप नहीं समझ रहे, मैंने गाली वाली नहीं दी, पर मुझे गुस्सा आया क्योंकि अगर उनके वजह से कोई हम लोग को खाली प्लॉट बोलेगा तो हम किसी को तो बकस नहीं देंगे। मान लीजिए कि अगर उनके हिसाब से बिना सिंदूर लगाए हुए महिलाएं या बिना मंगलसूत्र पहने बिना पायल पहने महिलाएं खाली प्लॉट है, तो कल को अगर धीरेन्द्र शास्त्री की माँ विधवा हो जाती है और वो मंगलसूत्र पहनना छोड़ देंगी, मांग में सिंदूर लगाना छोड़ देंगी, पैर में पायल पहनना छोड़ देगी, तो धीरेन्द्र शास्त्री की माँ को कौन कौन रजिस्टर्ड करने पहुंचेगा? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के पास इस बात का जवाब है? है इस बात का जवाब? नहीं है, क्योंकि वो धीरेन्द्र शास्त्री की माँ है। आपने सही बोला, लेकिन एक बात और सवाल उठता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री कोई भी अगर लड़की किसी शादी की उम्र होता है, क्या शादी से पहले का वो खाली प्लॉट ऐसे कहीं ना कहीं निंदनीय है? बहुत ज्यादा। अरे किसी लड़की की शादी हो तब ना करेगा, उसके पहले इसका मतलब खाली प्लॉट है। और या बहुत से मॉडल्स ऐसी होती है, बहुत से मुसलमान लोग होते हैं जिनमें कभी सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो क्या वो सारे लोग खाली प्लॉट है? ये कितना गलत है, उनके मुंह से ये शब्द निकला भी कैसे? यानी जो शादी नहीं करेगा वो खाली प्लॉट है। तो क्या हम बार बार पूछ रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की माँ बहन अगर विधवा हो जाती है तो उनको खाली प्लॉट बन जाएंगी, तो रजिस्टर्ड कौन कौन करेगा? क्योंकि इस धीरेन्द्र शास्त्री के इस घटिया बयान के वजह से, उस चोर की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री कोई बाबा नहीं, वो एक नंबर के पखंडी चट्टा, वो 26 साल का लवंडा है। कैसे कह सकते हैं? कैसे नहीं कह सकते हैं? जैसे वो हम लड़कियों को खाली प्लॉट बोल सकते हैं, वैसे हम उसको चोर, पाखंडी, घटिया, एक गिरा हुआ इंसान, एक मन जिसके पास दिमाग नहीं है, एक गिरी हुई मानसिकता का व्यक्ति हम उनको कह सकते हैं। क्योंकि अगर उनके पास दिमाग होता, मानसिकता होता या सोचने की क्षमता होती तो वो सोच समझ के बयान देते, क्योंकि उनका बयान भारत में, बिहार में 75% लोग सुनते हैं, तो क्या वो लोग उनके बात को फॉलो नहीं करेंगे? यकीन मानिए, कल से चलते समय तो प्रवचन दे रहे हैं, अच्छा तो प्रवचन देते हैं, उनके इस प्रवचन की वजह से लोग अब हम लोग को खाली प्लॉट कह रहे हैं। ये आपके अनुसार कहीं ना कहीं महिलाओं को ठेस पहुंचा है? बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा है, और उनके इस घटिया बयान की वजह से आते जाते लोग हम लड़कियों को खाली प्लॉट कह के चले जा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी रजिस्ट्री हो गई है कि होगी, क्यों? एक इस धीरेन्द्र शास्त्री चुट्टा के वजह से, इस चोर के वजह से लोग हम लोग को गलत कह रहा है। आखिर हम लोग अपनी सभ्यता भूल गए, अपना बोलने का तरीका भूल गए इसके एक बयान की वजह से? हम लोग ऐसे कभी किसी को बोले नहीं है, पर अगर ऐसा ये करते रहा तो हम लोग बहुत जल्द चप्पल उप्पल सब उठा लेंगे, क्योंकि हम लोग मजबूर हो जाएंगे, हम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चप्पल मारना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं ना कि अगर आगे से बिहार आए ना तो हम लोग चूड़ी भेज भेज के बोलेंगे पहन लीजिए और मुजरा कीजिए बैठ के। ऐसे बात बोलेगा? बिल्कुल बोलेंगे, चूड़ी पहन लीजिए ना, अगर इतना लड़कियों पे बात करने का शौक है तो आप खुद लड़की बन जाइए, फिर कमेंटबाजी कीजिए औरत और महिलाओं पे। आप 10 दिन लड़की बन के तो देखिए, फिर पता चलेगा महिला होना या लड़की होना कितनी बड़ी बात है। एक लड़की होना, एक बात याद रखो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें पैदा किया ना तो उससे पहले वो लड़की होगी, और उनपे भी ये बात लागू होती है। एक महिला को, एक महिला क्या होती है ना, ये हर मर्द से मैं गुजारिश करूंगी कि एक बार ना एक लड़का को अगर 10 दिन के लिए लड़की बना दिया जाए, यकीन मानिए वो एक दिन भी लड़की बन के नहीं रह सकते हैं, ये सच्चाई है। तो लड़कियों पे कमेंट बाजी आखिर क्यों? सबसे वो भी सबसे बड़ी बात है कि एक साथ कहते ना कि बड़े पद पे बैठे हुए एक प्रवचन देने वाला आदमी, एक साधु, एक बाबा, उनके मुंह से ऐसा बात कहीं से भी शोभनीय नहीं है, और उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया बयान देने के लिए। यानी आप कहीं ना कहीं आप मीरा जैसे व्यक्ति को भी अपमान, लक्ष्मी बाई जैसे भी व्यक्ति को अपमान नहीं हो रहा, नहीं लग रहा है? अरे हर किसी शादी नहीं किए थे, वो भी तो शादी नहीं किए थे, उन लोगों पे भी ये बात लागू होती है।
अरे औरत भी तो झांसी की रानी थी, फिर भी लड़ी थी ना वो। फिर आप एक औरत को, एक लड़की को कमजोर कैसे समझ सकते हैं, और उनको कमजोर समझ के आप उन पे ऐसे टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? लगातार महिलाओं पर हिंसा हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उन दरिंदों को हम लोग खुद अपने हाथ से सजा देना चाहेंगे। हमें ना तो कानून पे भरोसा है, ना ही सरकार पे भरोसा है, और ना ही किसी और पे। हमें एक इजाजत दे दिया जाए कि हमारे साथ जो गलती करे उसको सजा हम खुद दे। चलिए, मेरे साथ अभी अंजलि यादव थे, बाकी धीरेंद्र शास्त्री के बारे में आपके क्या राय, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जाएंगे।